पानी चालू कर दीजिए। अगर हमको बीवी बच्चा रहता तो हम गंगा जी में उठा के ले जाते, उसको खर खर के नहाते। कुछ होता है कि लापरवाही चलता है, मोटर समरसेबुल जो है खराब जो हुआ है, 2-3 सप्ताह पहले पानी की समस्या शुरू हुआ है, अब तक क्लियर नहीं हुआ है। अपने बच्चा बुतरू को नहाएंगे धोए नहीं। हम तो है साधु संत फकीर। नमस्कार, समाचार सुर्खियों में आपका स्वागत है। मैं हूँ रंगीला 2.0 का बाज में। बरियारपुर प्रखंड करहरिया पश्चिम पंचायत में पानी की समस्या पिछले कई वर्षों से होती हुई आ रही है। कभी मनी नदी सूख जाती है, कभी गंगा नदी गांव से दूर भाग जाती है, तो कभी क्या होता है नल जल हर घर नल जल योजना पाइपलाइन कनेक्शन की पाइप फट जाती है, तो कभी उसका समरसेबुल मशीन खराब हो जाती है। हमारे पंचायत में पिछले 2-3 सप्ताह से पानी बंद है। पानी बंद होने के कारण से यहाँ के स्थानीय व्यक्तियों में काफ़ी पानी की समस्या बना हुआ है। हर नागरिक को पानी के लिए इधर उधर भटक रहा है, इधर उधर जा रहा है। हम चाहते हैं इस वीडियो के माध्यम से इतना शेयर करिए, इतना कमेंट करिए, वीडियो CSDO तक नल जल योजना पाइपलाइन कनेक्शन के नागरिक जो है ठेकेदार उस तक पहुंच जाना चाहिए कि पानी की समस्या यहाँ पर कितना दिन से है। पानी को लेकर बहुत सारा मेरे ऊपर कमेंट आया है, जिसके कारण से इस बात को लेकर इस वीडियो के माध्यम से आपके बीच आए हैं। देखिए, हमको तो कोई लेना देना नहीं, हम तो हैं साधु संत फकीर। उठाएंगे चूटा कमंडल चल देंगे। हमको क्या, बीवी बच्चा है, नल जल योजना के पाइपलाइन से पानी से अपने बच्चा बुतरू को नहाएंगे धोएंगे। अगर हमको बीवी बच्चा रहता तो हम गंगा जी में उठा के ले जाते, उसको खर खर के नहाते। हमको तो बीवी बच्चा नहीं है, जिसके कारण से 2-3 सप्ताह पहले पानी की समस्या शुरू हुआ है, अब तक क्लियर नहीं हुआ है। उम्मीद करते हैं कि आने वाली 1-2 सप्ताह तक में मोटर समरसेबुल जो है खराब जो हुआ है वो ठीक हो जाए। कुछ होता है कि लापरवाही चलता है, हुआ खराब तो हुआ, जो पानी पी रहा है पी रहा है, हम तो पानी नहीं पी रहे हैं। देखिए, हर जगह पक्ष विपक्ष पार्टी की बात लेकर आपस में विवाद होते रहता है। कुछ व्यक्तियों का कहना है पानी बंद रहा है तो ठीक है, कुछ कहना है कि पानी चल रहा है तो ठीक है। दोनों व्यक्तियों को इसमें कहीं ना कहीं चढ़ाव उतार होते रहता है, सब दिन हुआ है, होते रहेगा। इस सब भेदभाव नहीं रखना है, बस जिन व्यक्तियों को ये काम सौंपा गया है वो व्यक्ति अपने इंसानियत से अपनी कर्तव्य के नाते होने के कारण से ये कर्तव्य निभाते रहिए। चाहे कोई पानी प्यास है या कोई बर्बाद कर रहा है, पानी चालू कर दीजिए और प्रयास करिए कि अपना पानी की समस्या दूर कर ले। चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इस वीडियो के लिए पानी चालू कर दीजिए।